चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह। उधम सिंह जो भारत के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे, उनकी हाल ही में 26 दिसंबर को जयंती मनाई गई है। उधम सिंह जिन्हें 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए जाना जाता है, 1940 में उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अब जानेंगे उधम सिंह के बारे में थोड़ा विस्तार से। उधम सिंह पंजाब के क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब में हुआ था। उधम सिंह का संबंध गदर पार्टी से था। गदर पार्टी वामपंथी विचारधारा से प्रेरित भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से बना एक दल था। इसकी स्थापना 1913 में सोहन सिंह भकना ने की थी। इस पार्टी का मुख्यालय कैलिफोर्निया में था, जहां पार्टी भारत से अंग्रेजों को हटाने के लिए प्रतिबद्ध थी। 1934 में उधम सिंह माइकल ओ डायर, जो 1919 में पंजाब के तत्कालीन उपराज्यपाल थे, उनकी हत्या के उद्देश्य से लंदन पहुंचे। उधम सिंह जलियांवाला बाग कांड के साक्षी थे। अगर बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो रोलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने अप्रैल 1919 की शुरुआत में पूरे देश में हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें पंजाब के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। 13 अप्रैल 1919 की सुबह स्वर्ण मंदिर में दर्शन करने के बाद लोगों ने धीरे धीरे जलियांवाला बाग में जुटना शुरू किया और कुछ ही देर में इस बाग में हजारों लोग इकट्ठा हो गए। बाग में लोगों के इकट्ठा होने की जानकारी मिलते ही ब्रिगेडियर जनरल डायर सिपाहियों के साथ वहां पहुंच गया और निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का फरमान सुना दिया। जलियांवाला बाग के गेट के मुख्य द्वार का रास्ता काफी सकड़ा था और सिपाहियों की मौजूदगी भी वहीं पर थी, जिसके कारण लोग बाग से बाहर ही नहीं निकल पाए और फायरिंग में बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान हुई मौतों की संख्या पर कोई आधिकारिक डेटा मौजूद नहीं है। अनाधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 1000 से अधिक लोग इसमें मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड से सभी भारतीय आहत हुए, जिसमें उधम सिंह भी थे। उधम सिंह ने जलियांवाला बाग की मिट्टी की सौगंध खाते हुए हत्याकांड में शामिल अधिकारियों को मारने का प्रण किया। उधम सिंह लंदन पहुंचे, परंतु उनके लंदन पहुंचने से पहले ही एक बीमारी के चलते जनरल डायर की मौत हो गई। लेकिन सरदार उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को मारने का पूरा मन बना लिया था। 13 मार्च 1940 को रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की लंदन के कैक्सटन हॉल में बैठक चल रही थी और इस बैठक में माइकल ओ डायर भी वक्ता के तौर पर आए थे। सरदार उधम सिंह ने एक किताब के पन्नों को अपनी रिवॉल्वर के आकार जितना काट दिया और उसमें अपनी बंदूक छुपाकर अंदर दाखिल हुए। बैठक के बाद उधम सिंह ने माइकल ओ डायर को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी और अपना बदला पूरा किया। इसके बाद कोर्ट में उनकी पेशी हुई और फांसी की सजा उन्हें सुनाई गई। जेल में सिंह ने भारत की आजादी की लड़ाई में हिंदू सिख मुस्लिम एकता का प्रतीक होने के लिए 36 दिनों की भूख हड़ताल की और पुलिस को दिए अपने बयानों में और अदालत में खुद को मोहम्मद सिंह आजाद बताया। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई और 31 जुलाई 1940 को पेंटॉनविल जेल में उन्हें फांसी दे दी गई। 1974 में उनके अवशेषों को भारत वापस भेज दिया गया और उनके गांव सुनाम में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।
जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए सिंह को आज भी एक नायक के रूप में देखा जाता है। उधम सिंह की प्रतिमा जलियांवाला बाग और संसद परिसर में स्थापित करने की पिछले कुछ वर्षों से मांग हुई है। उधम सिंह की प्रतिमा जलियांवाला बाग और संसद परिसर में स्थापित करने की पिछले कुछ वर्षों से कई मांगे हुई है। 2018 में इस मांग का एक हिस्सा तब पूरा हुआ जब बैसाखी के दौरान जलियांवाला बाग में उनकी प्रतिमा स्थापित की गई। अब देखेंगे आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट का परिणाम था। कथन दो, 1940 में उधम सिंह ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार माइकल ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कथन तीन, उधम सिंह का संबंध गदर पार्टी से था। उपरोक्त में से सत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी एक और दो दोनों, विकल्प सी एक और तीन, विकल्प डी सभी कथन सही हैं। आपके जवाब का इंतजार कमेंट सेक्शन में रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।